हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। तो आज से क्लास 11th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और जो बच्चे जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने सारे क्लास 11th के आएंगे वो 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, उसके साथ जेई और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो हम पढ़ाने वाले हैं फुल्ली एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। जितना सारा लेक्चर होगा एनसीईआरटी पर ही सारा पॉइंट, यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखा होना सारा एनसीईआरटी का है। क्योंकि चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देख लो, चाहे जेई देख लो, चाहे नीट देख लो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम होता है, चाहे आपका बोर्ड का जो एग्जाम होता है, सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 11th का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मोल कंसेप्ट भी बोल देते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जो मैं लिखा हूँ ना एकदम मस्त है भाई, एकदम एक तरह से कह सकते हो बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से पूरा लाइन उठाया गया है। देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है। यहां पे मैं लिख देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये कौन सा यहां पर चैप्टर है। तो ये क्लास 11th का है, ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, समझ में आया? और नीट वाले स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट कंटेंट है ये, यहाँ पर जो डिलीवर किया जा रहा है। तो एकदम अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छा मार्क्स आप अचीव करें नीट के एग्जामिनेशन में। चलिए तो सबसे पहले है, ये चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को मोल कंसेप्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या, जय श्री राम, नोटिफिकेशन यहाँ पर बज रहा है मेरा, थोड़ा मैं इसको बंद कर लूँ नहीं तो डिस्टर्ब होऊंगा। उसे श्रीराम के नाम से क्या डिस्टर्ब होना, लेकिन अभी पढ़ाई हो रही है ना, तो पढ़ेंगे, है ना? और आस्था तो दिल में बहुत सारा है ना। जय श्री राम, जय महादेव, हर हर महादेव, ठीक है? तो चलो, और जय माँ सरस्वती, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती माँ का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि जो भी हम लोगों के पास है, जो भी हम लोगों के पास आता है, वो माँ ही देती है, सरस्वती माँ ही देती है, उनकी ही कृपा होती है जो हम लोगों के पास इतना ज्ञान आता है, हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है? तो सरस्वती माँ को फिर से प्रणाम है। तो चलिए सरस्वती माँ के नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें ये जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पहले तो आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए, मेरा मार्कर पहले ही भरक गया। केमिस्ट्री क्या होता है भाई? केमिस्ट्री एक ऐसा, मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जहाँ पर हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, है ना? यही तो है, क्योंकि पूरा जो केमिस्ट्री है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेवल पर ही कुछ रिएक्शंस होते हैं, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो डायरेक्ट हम सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स या मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, वही केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री का तीन ब्रांच होता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक बातें थी, ये आपको पता होगा इसीलिए हमने नहीं बताया। हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, समझो भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में जो दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में कहते हैं, ठीक है? फिर आगे बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बन को छोड़कर, समझो बात को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं? कार्बन को छोड़कर बाकी जितने मतलब एलिमेंट है, कार्बन को छोड़कर पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो 118 में से कार्बन को बाहर निकाल दो तो कितने बचे, 117। तो 117 एलिमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पड़ता है, ठीक है? फिर आगे बात सरकाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमको कार्बन
और उसके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना पड़ता है, वो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, बातें आपके खाली खोपड़ी में घुस रही होगी, आपकी जो खाली खोपड़ी है उसमें मैं सारी बातें डाल दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये बेसिक बातें थी जो मैंने नहीं लिखी, वो आपको पता होगी, है ना। तो फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। तो भाई, अब हमको केमिस्ट्री पढ़ना क्यों पड़ा, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहले तो ये जानना है ना कि हम लोग कोई चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो लो भाई, यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप अपने डेली लाइफ में हर एक चीज़ में केमिस्ट्री देख रहे हो। अरे भाई, आपको बुखार लग गया, सभी को लगता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि किसी को आज तक बुखार नहीं लगा होगा, लगा ही होगा, है ना। कभी ना कभी बुखार लगता ही लगता है, ठीक है। तो बुखार जो लगता है तो उसमें जो मेडिसिन आप लेते हो पैरासीटामोल का, क्या चीज़ से बना भाई, केमिकल से मिलके बना है, यानी केमिस्ट्री में उसका, केमिस्ट्री का रूल्स वगैरह उसमें अप्लाई हुआ है, तब जाके केमिकल्स जो है, केमिकल्स से हम लोग को दवा तैयार हुआ है, तब जाके हम लोग वो दवा खाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम जो होता है बुखार सर्दी वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी तो केमिस्ट्री ही उपयोग में आ रहा है। तो भाई, अपने लाइफ में आप चारों तरफ अपने डेली वेज लाइफ में देख लो, टूथपेस्ट जो आप करते हो उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, उसके अंदर केमिकल होता है, तब जाके आपके माउथ में जो एसिड प्रोड्यूस हो गया है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट भी एक तरह का केमिकल ही है, केमिस्ट्री से बनता है। तो भाई, आप चारों तरफ घुमा के देख लो, अपने नज़र घुमा के देख लो, सब चीज़ में केमिस्ट्री छुपा हुआ है। अगर केमिस्ट्री नहीं होता ना भाई, तो इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलो, बारी बारी से पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी गई है, प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। देखो, पहला बात, सप्लाई ऑफ फूड लाइक फर्टिलाइजर। अब मान के चलो, देखो मान के चलो, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा मतलब बेजान हो गया, उसके अंदर दम नहीं है, तो उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि वो उसकी जो पैदावार होती है फसल की बहुत अच्छी होती है, समझ में आ रहा है ना। जैसे मतलब फर्टिलाइजर्स हम लोग खेत में डालते हैं ताकि फसल की पैदावार बहुत अच्छा हो, यानी फूड की मात्रा अधिक हो। अगर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो फसल की पैदावार अच्छी होगी, नहीं होगी। तो फसल की पैदावार अच्छी करने के लिए हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, तो समझ रहे हो। फर्टिलाइजर क्या है भाई, केमिस्ट्री है, वो केमिकल है। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है। कैसे बनता है, क्या केमिस्ट्री से बनता है, केमिस्ट्री के जो रूल रेगुलेशन है उसमें इससे रिएक्शन करवा दिया, इससे करवा दिया, तब जाके फर्टिलाइजर बनता है। तो इस पर यानी ये जो फर्टिलाइजर हो कैसे बनता है, केमिस्ट्री से बन रहा है। कितना मतलब, अगर फर्टिलाइजर नहीं रहेगा तो अच्छे से फसल की पैदावार अच्छे नहीं होगी, तो कितना उपयोगी। अब जैसे कुछ फर्टिलाइजर का नाम लिखा गया है, जैसे अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला होता है, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जैसे यूरिया का फॉर्मूला याद रख लो NH2CONH2, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हो आप NH2C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और NH2, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सारा जो है फर्टिलाइजर। आप कहोगे सर यही एग्जांपल क्यों दिए, फर्टिलाइजर तो और भी सारा होता है ना, पेस्टिसाइड्स भी हो जाते हैं फर्टिलाइजर, उनका नाम क्यों नहीं लिखे आप। उनका नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यही आपके NCERT में दिया गया है। तो प्योरली NCERT को फॉलो करूंगा, मैं पहले बोल दिया हूँ, ठीक है। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, ये सारा फर्टिलाइजर है जो हम लोग खेत में डालते हैं ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो पाए, ताकि फूड की जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री का ही उपयोग करते हैं, यानी केमिकल से ही तो करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एकदम मस्त बात बताता हूँ, जैसे फूड को यानी खाना को, यानी फूड जो होता है ना, खाना को ज़्यादा देर तक बचाए रखने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। क्या खाना ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक रहे सुरक्षित, क्योंकि अगर खाना को हम डायरेक्ट खुले में छोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। अब ख़राब हो गया खाना तो उसमें से स्मेल आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत बेकार लगता है खाना, फिर खा भी नहीं पाएंगे, उसका स्वाद खट्टा हो जाता है,
स्वाद भी चेंज हो जाता, कैसे खाएगा कोई इंसान। तो फूड को ज़्यादा देर तक संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, जो कि केमिकल है, केमिस्ट्री से आया। अब इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बेंजोएट का, ए भाई C6H5 Na पॉजिटिव, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ओके ओके, अब आगे देखिए, ये भी देखिए केमिकल। अब जैसे अब आपको एक बात पता होगा, ट्रंक में या ट्रंक देखे ना, ट्रंक या जैसे बाथरूम में देखोगे, बाथरूम है ना, जहाँ पर बाथरूम रहता है, टॉयलेट वगैरह करता है लोग, तो वहाँ पे आप देखे होंगे वो टॉयलेट के अंदर वो जो बना रहता है उसके अंदर छोटी छोटी गोलियाँ, उजली गोलियाँ, नेफ्थलीन की गोलियाँ डाली जाती है, क्यों? ताकि वो स्मेल ना करे। क्या ना करे? स्मेल ना करे। वो भी किस चीज़ से मिलके बना है? केमिकल से मिलके बना है। बस सिंपल सी बात है भाई, जितना भी चीज़ देख रहे हो ज़्यादातर तो केमिकल से मिलके बना है। जैसे कितना इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का आप समझ सकते हो। आगे देखो, तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ। भाई बेटर हेल्थ यानी हम लोग का हेल्थ बहुत अच्छा रहे, इसके लिए भी केमिस्ट्री ही जिम्मेवार है, क्योंकि केमिकल्स कुछ होते हैं जैसे सैनिटाइजर होते हैं। COVID-19 में आप देखे होंगे सैनिटाइजर का लोग इस्तेमाल करते थे, ताकि जो है हम लोग हाथ को सैनिटाइज कर ले सैनिटाइजर से, जिससे क्या होता है कि सैनिटाइज करने से क्या होता है भाई, सैनिटाइजर से हम लोग अगर हाथ को साफ करते तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, बैक्टीरिया ख़त्म, जर्म्स वगैरह ख़त्म, तो हम लोग जो है हेल्थ हम लोगों का अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे सैनिटाइजर के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे लिख दो कहाँ पे, हाँ, सैनिटाइजर के अंदर प्रोपेन टू ऑल यहाँ पे रहता है, ये वाला अल्कोहल रहता है, ठीक है। और सैनिटाइजर में आग लगाते हो, आग लग जाता है, क्यों? क्योंकि भाई अल्कोहल उसके अंदर रहता है, जिसकी वजह से आग लग जाता है, ठीक है। जनरली जो है सैनिटाइजर के अंदर यही होता है, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब ये लगाने से जर्म्स वगैरह मर जाते हैं, तो भाई ये हमारे हेल्थ में भी तो उपयोग कर रहा है। अब जो यहाँ पर सैनिटाइजर है वो क्या है? केमिकल है। कैसे बना है? केमिस्ट्री से बना है। आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन। मैं अभी आपको बताया कि जो आपको कभी तबीयत खराब हो जाता है, खुदा ना खास ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होता तो है, किसी को ना किसी को बुखार तो लग ही जाता है, सर्दी हो जाता है, तो उस स्थिति में भी जो दवा लेते हैं वो कहाँ से आता है भाई? वो क्या है? केमिकल ही तो है। कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया। जैसे आपके NCERT में दिया गया है दो एग्जाम्पल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिसप्लेटिन और टैक्सोल, ये दोनों जो दवा है, ये दोनों दवा का यूज जो है कैंसर में होता है, यानी जब किसी को कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग टैक्सोल और सिसप्लेटिन जो है हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। आपके NCERT में यही दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे AZT है, एजाइडोथाइमिडीन, ये भी एक दवा है जो हम लोग एड्स, किसी को एड्स हो जाता है तब उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उस दवा को देते हैं। एड्स, बायोलॉजी वालों सुन लो भाई, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। खाली खोपड़ी में बातें जा रही होगी, तो ये दोनों याद रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिसप्लेटिन एंड टैक्सोल कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और AZT एजाइडोथाइमिडीन ये जो होता है, ये हम लोगों के एड्स के लिए होता है, ठीक है, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेशेंट को देते हैं। तो भाई ये सब क्या है भाई? केमिस्ट्री से ही तो आया, केमिकल से बना, ये केमिस्ट्री से आया है। आगे देखते हैं, हेल्प इन द सेविंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट। केमिस्ट्री से ही इन्वायरमेंट को भी सेव किया जा सकता है। जैसे देखो CFCs जो गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, काफ़ी हार्मफुल गैस होता है ये, फ्रिज से पहले रेफ्रिजरेटर के अंदर रहता था, अब तो उतना नहीं रहता, अब रहता ही नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से ये गैस को हटा दिया गया है। तो पहले जो रेफ्रिजरेटर रहता था उस रेफ्रिजरेटर के अंदर CFCs गैस रहता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होता है वो ओजोन होल क्रिएट करता है। क्या करता है? ओजोन होल क्रिएट करता है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी ऊपर जब जाओगे आप तो वहाँ पर क्या है, ओजोन का एक लेयर है। वो ओजोन का लेयर जो है, सन से जो यूवी रेज गिर रही है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ रही है अर्थ के ओर, तो वो ओजोन लेयर उस रेज को आने ही नहीं देता है अर्थ तक, क्योंकि अगर वो रेज अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ेगी तो
स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? स्किन कैंसर होगा और आदमी खत्म। इसीलिए हमारा जो ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है सन के यूवी रेज से। समझ में आ रहा है बातें? हाँ। तो अब देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है ये तो भाई जाता है, फ्रिज से निकलता है, जाता है और उसके अंदर छेद कर देता है, होल क्रिएट कर देता है ओजोन के अंदर। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है। देखो होता क्या है, ओजोन O3 होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट यूवी रे जिस पे पड़ता है O2 और O में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ में आया? तो ये तो टूट जाता है ओजोन। अब जिसके वजह से भाई यूवी रेज आराम से अगर धरती पे अगर आ जाएगा, अगर होल क्रिएट कर दिया यूवी रेज के अंदर, होल हो गया, सॉरी यूवी रेज कह रहा हूँ, ओजोन के अंदर होल हो गया, तो डेफिनेटली आराम से वो रेज धरती पर आ जाएगी और धरती पर जैसे ही आएगी तो स्किन कैंसर होगा लोगों को। जो CFCs को रिप्लेस करके हम लोग को सेफर अल्टरनेटिव्स का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसा गैस रखा जाता है फ्रिज के अंदर जो मतलब सेफर अल्टरनेटिव क्या है, मतलब इतना मतलब मात्रा में रखा जाता है कि नुकसान ना हो जाता, ठीक है। सेफर अल्टरनेटिव पे रखा जाता है। समझ में आया? समझ में वही बात लिखा है कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन काउज ओजोन होल इज रिप्लेस्ड बाय सेफर अल्टरनेटिव्स। सेफर अल्टरनेटिव्स का उपयोग किया जाता है ताकि जो है CFCs प्रोड्यूस ना हो और ओजोन का जो है डिप्लेशन ना हो। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये सारी बातें आप पहले नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से नोट कर लो आप। चलिए स्टूडेंट्स, अब वो चीज़ पढ़ते हैं जो क्लास 9th में आप जरूर पढ़ के आए होंगे, ठीक है, जो कि हमारा मैटर। अब यहाँ से अब बातें हैं तो हैं, ठीक है, शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से कोई बात नहीं है। मैटर क्या होता है? देखो भाई, मैटर एक ऐसा चीज़ होता है जो मतलब मैटर वो होता है जो स्पेस में अगर रखा गया है तो वो थोड़ा ना थोड़ा जगह छेकेगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना, उसका थोड़ा ना थोड़ा वजन होगा, मास होगा, मैटर कहलाएगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। क्लास 9th से पढ़ के आ चुके हैं आप लोग। अब मैटर के ना होते तो तीन हैं, होते तो तीन हैं लेकिन पांच भाई होते पांच हैं लेकिन हमको तीन के ही बारे में ही पढ़ना है। बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे सर होता तो पाँच है, आप तीन ही बताएं। तो पांचों बता देते हैं थोड़ा बहुत। सॉलिड तो जानते ही हैं, एक होता है मैटर का तो स्टेट जो होता है वो पांच होता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे सॉलिड क्या होता है, ये देखो भाई ये सब आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ बढ़िया से। सॉलिड क्या होता है? देखो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका शेप जो है होता है वो फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिर से बात करते हैं, हमारा जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज वगैरह जो भी हो, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, वो फिक्स होता है। ऐसा है कि आप ना बाल्टी में रख दो सॉलिड को तो वो बाल्टी जैसा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसका शेप फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सपोज आप मानो आपका जो मतलब आपने कोई क्या किया, एक सॉलिड लिया, उसका जो मतलब वॉल्यूम था सपोज मान लो कुछ था, ऐसा थोड़ी कि वो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इतना था इतने वॉल्यूम में था अब इतना वॉल्यूम में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो सॉलिड जो होते हैं उनका जो शेप होता है और उनका जो वॉल्यूम होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। इसका शेप जो है सॉलिड को, जब तक सॉलिड पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उसका शेप वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये बात होती है, बात है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिक्विड की बात करता हूँ, जब तक आप देखो सॉलिड में जब तक आप इसके साथ छेड़छाड़ी ना करोगे तब तक इसका वॉल्यूम और शेप सब कुछ फिक्स्ड रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक। जैसे लिक्विड की बात करें, लिक्विड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। बताऊं, आप एक गिलास पानी ले आओ तो गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, बॉटल के अंदर डालोगे तो बॉटल का आकार ले लेगा, है ना, आप बाल्टी के अंदर रखोगे पानी को तो बाल्टी का आकार ले लेगा, गैलन में डालोगे तो गैलन का आकार ले लेगा। तो आप पानी को, वाटर को जिस
चीज में डालोगे, यानी आप जो है मतलब लिक्विड को जिस चीज में डालोगे उसका आकार ले लेगा। जैसे शराब, सर शराब की बात कर रहे हो आप, तो शराब को चाहे आप ग्लास में पियो या शराब को बॉटल में पियो, जिस चीज में वो रहेगा उस चीज में उस चीज का आकार ले लेता है। पता है ना आपको, ग्लास में डालो तो ग्लास का आकार, बॉटल में रहेगा तो बॉटल का आकार। बातें समझ में आ रही है? तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि आप एक लीटर का शराब रखे हुए हैं तो उसमें दो लीटर का शराब बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम जितना आप रखोगे, एक ग्लास रखोगे तो एक ग्लास ही रहेगा, दो ग्लास नहीं बनेगा, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस की बात करें तो भाई इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इस गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है। आप जैसे रखो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम इसीलिए ना फिक्स मतलब हो सकता है क्योंकि आप देखो, आपके साथ पास परफ्यूम होगा, मेरे पास था लेकिन उस रूम में है, मैं वहाँ से कैसे लाऊँ, ठीक है, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर परफ्यूम को हम ऐसे मारेंगे तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स निकलेगा, उस परफ्यूम के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स निकलेगा वो पूरे रूम के अंदर आ जाएगा। तो उसका वॉल्यूम पहले इतना छोटा था, अब वॉल्यूम पूरा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है इसका ना, वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता। बातें समझ में आ रही है? हमारा जो गैसेस होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। चलो समझ में आ गया। अब प्लाज्मा की बात करें, देखो प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जो हमेशा आपको हाई टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट बनता कैसे? होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर, वेरी 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 हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि गैसेस जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं? गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं और तब जाके वहां पर प्लाज्मा स्टेट बनता है। जैसे देखो, आई एम सॉरी, ओके, तो प्लाज्मा स्टेट कब बनता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बनता है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर गैसेस आयोनाइज हो जाते हैं, तब जाके हमारा वहां पर प्लाज्मा स्टेट बनता है। कैसे? अगर क्लोरीन का गैस है, आप जानते हो क्लोरीन के गैस से, समझो क्लोरीन के गैस से या क्लोरीन के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। बात को गौर करना, क्लोरीन का जो एटम है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा उसको तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है, नॉ कि लॉस करता है। लेकिन इस कंडीशन में, प्लाज्मा स्टेट के कंडीशन में, क्लोरीन का जो एटम आपको दिख रहा है वो क्या करता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी इस पर लगाई गई, कि मजबूरी में इसको अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ा और फाइनली यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हो गया। समझ में आया? कैसे प्लाज्मा स्टेट बना, मतलब देखो ना, एक्सट्रीमली वेरी 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 हाई टेम्परेचर पर यह स्टेट बनता है, स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। यानी इतनी ना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो गई, यानी इतनी एनर्जी वहां पर इस क्लोरीन के एटम पे लग गई कि उसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, बाहर निकल गया और फाइनली तब जाके प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बच्चों बातें समझ में आ रही? जैसे हाइड्रोजन बम आवाज करता है, जैसे हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है टुशुम आवाज निकलता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तब वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट ही फॉर्म करता है। उसके अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब एक्सप्लोजन जहां पे होता है तो उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट बनता है, एक नया स्टेट ऑफ मैटर। समझ में आ गया? बातें समझ में आ गई? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं। अब बीईसी क्या होता है?
बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, इस पर ज़्यादा मतलब जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं की गई है ना, और क्लास 11 12th में इसकी पढ़ाई भी नहीं करनी। MSc में जब आप जाओगे, मास्टर ऑफ साइंस करोगे, तब जाके BEC के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहता है। अभी तो बस इतना जान लो कि BEC जो होता है ये बनता कैसे है, कब फॉर्म होता है, बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत जहाँ पर ठंडा रहता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत ठंडा जगह है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ पे जाके बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट एक स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो पांचों स्टेट का मैं डिस्कशन कर दिया, लेकिन बात करें तो हमारे क्लास 11 12th में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में ही पढ़ना है। नो प्लाज्मा स्टेट, नो बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ठीक है, आप क्लास 12th में जाओगे तो सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर ही है, लिक्विड स्टेट भाई क्लास 11th में ही पढ़ना है, और गैसियस स्टेट भी क्लास 11th में ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। अब जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं, प्योर सब्सटेंस, और उसके बाद मिक्सचर वगैरह भी देखेंगे। यानी अगर मैटर का क्लासिफिकेशन करें केमिकल रूप से, तो एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। और प्योर सब्सटेंस का टाइप दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट होता है और एक इधर कंपाउंड होता है, कंपाउंड। बारी बारी इस पढ़ते हैं। पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि देखो, अ केमिकल सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ मैटर हैविंग कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब यह है, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उसके अंदर जो आपको सब्सटेंस मिलेंगे, उसके अंदर जो आपको मैटर मिलेंगे, वो कांस्टेंट कंपोजिशन में होंगे, एकदम कांस्टेंट कंपोजिशन में होंगे। ठीक है, और उनका जो प्रॉपर्टी है वो भी एकदम मेल करेगा, एकदम मेल करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे आप एलिमेंट की बात कर लो, जैसे आप एलिमेंट की बात कर लो, एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस ही है। जैसे आयरन, आयरन का एक एलिमेंट है, आयरन के एलिमेंट में आयरन के ही एटम आपको मिलेंगे हर जगह, एकदम हर जगह आयरन 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 का ही एटम मिलेगा आपको, उसके अंदर गोल्ड का आइटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक आयरन का जो एलिमेंट होता है, उस आयरन के एलिमेंट में सिर्फ आपको आयरन के ही आइटम मिलेंगे। एक गोल्ड का आप एलिमेंट ले लो, उस गोल्ड के एलिमेंट में आपको गोल्ड का ही आइटम मिलेगा। आप सिल्वर का एक एलिमेंट ले लो, तो उसके अंदर आपको सिल्वर का ही आइटम देखने को मिलेगा, उसमें कोई और आइटम दूसरा नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए पूरे गोल्ड का, पूरे सिल्वर का, पूरे आयरन का जो प्रॉपर्टी होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि उसके अंदर एटम्स जो है वो सेम है। बातें समझ में आ रही हैं। जैसे कंपाउंड, जैसे प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड भी आते हैं। जैसे आपको बताओ कंपाउंड के बारे में, तो कंपाउंड क्या होता है कि आप पूरा, जैसे एक कंपाउंड है H2O, तो वाटर के अंदर आपको पूरा H2O ही मिलेगा, उसके अंदर Fe2O3, उसके अंदर और दूसरा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। अगर वाटर है तो उसके अंदर H2O का मॉलिक्यूल ही मिलेगा, उसके अंदर दूसरा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई चीज है, कोई एक कंपाउंड है, तो उसके अंदर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड ही CCl4 ही मिलेगा, उसके अंदर दूसरा चीज देखने को नहीं मिलेगा। यानी उसका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, वही तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस देखिए ना, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, यानी एक उनका जो कंपोजिशन होता है वो एक कॉन्स्टेंट कंपोजिशन में होता है। ठीक है, जैसे NaCl की बात करें नमक में, तो नमक में क्या होता है, NaCl, उसमें दूसरा कोई और चीज़ नहीं होता है, वही बात मैं कह रहा हूँ। इसी को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, यानी उसके अंदर और कोई दूसरा चीज़ नहीं है, वही चीज़ आपको उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं ए नंबर में प्योर सब्सटेंस का डिवाइड किया गया दो टाइप में, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। एलिमेंट क्या होता है, देखो भाई, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक प्योर सब्सटेंस का ही एक टाइप है, जिसके अंदर
जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं भाई, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। एलिमेंट क्या होता है, ये प्योर सब्सटेंस का ही एक टाइप है जिसमें एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं वो पूरी तरह से सेम होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आयरन का एलिमेंट है तो उसके अंदर आयरन के ही एटम होंगे, कोई और दूसरा एटम नहीं होगा। गोल्ड का अगर एलिमेंट है तो उसके अंदर गोल्ड का ही एटम होगा, कोई और दूसरा नहीं होगा। अगर आप सिल्वर को उठा लो तो सिल्वर के अंदर सिल्वर का ही एटम मिलेगा, आयरन का एटम नहीं मिलेगा, कोई और एलिमेंट का एटम नहीं मिलेगा, उसके अंदर वही चीज़ का एटम मिलेगा। तभी तो वो पूरे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप कहीं और से एक आयरन का मतलब एलिमेंट उठा लिए और कहीं और से आयरन का आइटम एलिमेंट उठा लिए, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। क्यों? दोनों आयरन का जो एलिमेंट आप उठा के लाए, एक इधर से और एक इधर से, दोनों के अंदर जो एटम्स हैं वो सेम है, आयरन के ही एटम्स है, कोई दूसरे एलिमेंट के एटम नहीं है। ये बात एग्जाम्पल दूँ, दिख रहा है इधर क्या, चलो मैं लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल है Fe, ठीक है, बोलो सर बोलो, Al, हाँ Au, Ag, etc. बहुत सारे हैं, क्या करोगे इतना लिख के। ठीक है, बातें समझ में आ ही गई है। फिर कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड क्या होता है, देखो ऐसे सब्सटेंस होता है, यह भी प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है, जो दो या दो से अधिक तरह के एटम से मिलके बने रहते हैं, और वो जो है केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन इन द फिक्स्ड रेशियो, और जो उनका रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर से बताता हूँ कि सच सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, दो या दो से अधिक टाइप के आपको एटम तो मिलेंगे। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस का एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक तरह के एटम तो आपको मिलेंगे, लेकिन उनका जो रेशियो होगा ना वो एकदम फिक्स्ड रेशियो होगा। बता दूं, जैसे आप वाटर के अंदर बात करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आप कार्बन और क्लोरीन का रेशियो निकालोगे तो 1:4 आएगा। अगर आप NaCl के अंदर सोडियम और क्लोरीन का रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा। और पूरे सोडियम, पूरे नमक में जो सोडियम क्लोराइड का रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। पूरे आप 1 लीटर वाटर ले लो, उसके अंदर रेशियो निकालो तो हर एक थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ, हर एक आप 1 लीटर पानी ले लिए, उस हर एक कहीं से भी आप अगर उठाओगे वाटर ले लोगे और उसमें टेस्ट करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही आएगा। तो ये कंपाउंड है, ये बदलता नहीं है इसका रेशियो, ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होता है, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल H2O, CCl4, NaCl, ये सारा। ठीक है, बातें समझ में आ गई, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर पता चला। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो सेम एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, कोई दूसरा एटम नहीं होता। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही है लेकिन इसमें दो या दो से अधिक तरह के एटम पाए जाते हैं, लेकिन उनका रेशियो फिक्स्ड होता है। देख लो यहाँ पर, अगर कहीं से भी जिस वाटर से पिछवाड़ा धोते हो वो वाटर ले लो, या गटर का पानी ले लो, या फिल्टर वाला पानी ले लो, कहीं से पानी ले लो, उसका जो रेशियो होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही होगा, ये फिक्स्ड है, उसी को कंपाउंड कहते हैं। बातें समझ में आ गई, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बात तो आपको पता ही है कि 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो बनता है तो हम उसको डाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इधर इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, हम VI के सिम से ही वीडियोस वगैरह डालते हैं तो उतना इंटरनेट हम लोग को नहीं मिल पाता, गांव में रहते हैं तो उतना ज़्यादा वाईफाई है ही नहीं भाई। वाईफाई रहता तो भाई क्या है, लाइव ही शुरू कर देते भाई, 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा लाइव करते, चैप्टर एक चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट करवा देते। लेकिन वो जब आएगा तो हम करवाएंगे डेफिनेटली, अभी तो नहीं हो पाएगा। चलो, आज का वैसे ही पहला दिन था तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, कहीं आप लोग को बोरियत ना फील हो जाए। ठीक है, खैर मेरा क्लास करोगे तो डेफिनेटली बोरियत तो नहीं ही होगी। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अब आज हम जो एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, थोड़ा ही पढ़ाएं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है,
उसके बाद मैटर के बारे में बात की है, मैटर के कितने टाइप होते हैं, कितने स्टेट होते हैं वो बताया, और केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का बात किया जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के बारे में बात की है। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते थे। अच्छा, केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह से मैटर का कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर। मिक्सचर में भी बात करेंगे, एक होमोजेनस मिक्सचर और हेटरोजेनस मिक्सचर होता है, वो भी बात करेंगे। तो पहले हम प्योर सब्सटेंस देख रहे थे, प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट देखे, कंपाउंड देखे, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्लास होगा जिसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, अभी एटम एटम बच चिल्ला रहा था ना, वैसे तो आप क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप पता कर सकते हो, न्यूट्रॉन कैसे पता कर सकते हो, है ना, प्रोटॉन कैसे पता कर सकते हो, ठीक है, ये बात सब है ना। और किसी आयंस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जा सकता है, इसमें नीट में सवाल आते हैं इससे, तो कर लेंगे अपना लोग, ठीक है, अगले वीडियो में। तो इसको अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, मैं साइड हो लेता हूँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। शायरी सुनना पसंद करोगे भाई? बोलो, शायरी सुनना पसंद करोगे? क्या बोल रहे हो सर, शायरी? हाँ जी, क्यों नहीं, शायरी मैं सुनाता हूँ आपको बहुत अच्छा सा। कोई अगर इस लेक्चर में दिक्कत हुआ होगा तो भाई कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, वैसे तो कमेंट किसी का आता नहीं है, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछे, हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं और सारा का जवाब देते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछे, अगले दिन हम उसका निदान कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो शायरी सुनना पसंद करोगे? तो ये शायरी उनके लिए है जो पूरी तरह से सिंगल है, तो सुनिएगा। मिल तो जाते हम सभी को आसानी से, मिल तो जाते हम सभी को आसानी से, पर कोई मुझे पाने वाला था ही नहीं। चाहत लुटा देते उसके खातिर, चाहत लुटा देते उसके खातिर, पर मसला ये कि कोई चाहने वाला था ही नहीं। तो ये शायरी कैसा लगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और हाँ, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है, जो भी टॉपिक समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, होमोजेनस मिक्सचर, हेटरोजेनस मिक्सचर, किसी एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, किसी आयंस में कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, न्यूट्रॉन फाइंड करें, प्रोटॉन फाइंड करें, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।